ओके 2020 विद फाइववुड ते मेरे नाल इस वक्त शरण कौर ने। हेलो शरण। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आर यू रेडी फॉर 2020 विद फाइववुड? विल ट्राई। ओके अच्छा फेवरेट गायक केड़े ने तुम्हारे? अमरिंदर गिल जी। फिल्म? अंग्रेज। किस तो इंस्पायर होंदे हो? कोई भी एक्टर ला लो या सिंगर ला लो, कोई भी ला लो, किस तो तुसीं इंस्पायर होंदे हो? वैसे तो आई थिंक लाइफ से जो असी रियल काम करते हैं ना, अपनी ही लाइफ तो असी इंस्पायर होंगे, जो असी मिसटेक करके उतों ही असी सीखते हैं। बट एज अ एक्टर जो मैंने लगती परफॉर्मेंस प्रियंका चोपड़ा वो जिस हिसाब नाल ग्रो किया ना, आई वांटेड टू बी लाइक हर। राइट। किहड़े तीन सेलेब्स नूं तुसीं अपने घर डिनर विच बुलाना चाहोगे? अमरिंदर गिल जी, बिकॉज मेरी मम्मी दे फेवरेट, जिन्ना करके लगता मैं इस इंडस्ट्री च आई है। दिलजीत जी, दिलजीत दोसांझ एंड नीरू मैम। क्या बात है। शहर पसंद है या पिंड? मतलब पिंड बहुत पसंद है बट अगे वधन वास्ते शहर च रहना जरूरी है। क्या बात है। अच्छा देश केड़ा पसंद है? पंजाब। देश देश मतलब पंजाब, इंडिया से ही पंजाब आंदा। अच्छा मतलब इंडिया दे विच स्पेसिफिक जगह पंजाब। राजमा चावल या कड़ी चावल? राजमा चावल। लास्ट फिल्म केड़ी देखी सी? लास्ट फिल्म मैं देखी बुलबुलेया 2 हिंदी। पंजाबी देखी मैं सौंकन सौंकन। अच्छा लास्ट टाइम झूठ किस नूं बोलिया सी या कदों बोलिया सी? थोड़ा थोड़ा तो डेली चलदा है। कहंदे जिहड़ा झूठ किसी का भला करे झूठ नहीं हुंदा। फेम वधिया लगदा या पैसे? फेम, बिकॉज जो फेम हुंदा है पैसा पिछे अपने आप आ जाता है। राइट। अच्छा दोनों विचों वधिया एक्ट्रेस केड़ी है? सोनम बाजवा, नीरू बाजवा। आई थिंक दोनों की एक अपनी पहचान आ, तो असी कंपेयर अपने टाइम दे वो स्टार है और हजे तक मतलब वो मेनटेन किया हुआ है। उहदे विच सोनम बाजवा भी ऐड ने, तो आई थिंक इक्वल आ अस, क्योंकि टाइम दे जनरेशन दे हिसाब नाल जो ऑडियंस नूं चाहीदा है दे बोथ आर परफेक्ट फॉर दैट। राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट फॉर यू। दिलजीत दोसांझ और अमरिंदर गिल केड़े एक्टर सब तो बेस्ट हैं? अमरिंदर गिल जी, क्योंकि दिल तो मेरी मम्मी जी दे बहुत फेवरेट ने, मेरे भी बहुत फेवरेट ने और आई थिंक मैनू कहंदे ने एक सपना है मतलब उन्हां नाल काम करन दा। ते दिलजीत दोसांझ जी तो ऑफकोर्स हर एक दा अजकल दी जनरेशन दा और जो भी नवे आर्टिस्ट आंदे उन्हां दा बहुत एक सपना हुंदा उन्हां नाल काम। डेफिनेटली मैंने उम्मीद है कि आई विल गेट दैट चांस ऑल्सो। पर अमरिंदर जी क्योंकि बहुत रिजर्व रहंदे ने, बहुत घट सोशलाइज ने, उन्हां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि उन्हां नाल ज़्यादा काम करन दा। मैनू मेकअप और विदाउट मेकअप? विदाउट मेकअप। एक्टिंग या मतलब कि तुसीं कह लो मॉडलिंग? एक्टिंग। एक्टिंग। होटल विचों कदे समान चुक्या? होटल विचों आही फेस वॉश, कुछ किसी का बॉडी लोशन वधिया लग जाता वो चक लगता। अच्छा इदा दी केड़ी फिल्म देख के तुहानू लग्या यार एक करैक्टर मैं कर सकदी सी या मैं करना चाहनी? पंजाबी चो कोई भी चलेगा। वैसे तो मैं हुण जिहड़ी शरीक 2 कीती, आई थिंक एक पंजाबी इंडस्ट्री च फीमेल करैक्टर इन्ना स्ट्रोंग कदी नहीं किसी नूं मिलिया। आई गॉट लकी कि मैनू चांस मिलिया उस मूवी च काम करन दा। और हिंदी विच बहुत सारी इदा दे, पर पुरानी विचों मैनू बर्फी पसंद है प्रियंका चोपड़ा वाली, जो कैरेक्टर मैं चाहवांगी कि पंजाबी इंडस्ट्री च भी उदा का करा। एंड द सैकेंड जो आलिया भट्ट ने हुणे गंगूबाई कीता। राइट। इंडस्ट्री विच किस दा फोन इग्नोर नहीं कर सकदे? मैं किसी का भी नहीं करती। सच्ची किसी का नहीं कर, वैसे तो आते नहीं, मैं चाहती हूँ जल्दी आन सारे फोन, मैं किसी का नहीं इग्नोर करूँगी। अरे नहीं। अच्छा किस गल ते सब तो ज़्यादा गुस्सा आता है? जो किसी चीज़ लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिल जान ला दी है ना, इदा हाथ च होए इदा नहीं होता, फिर इरीटेशन बहुत होंगी है। मतलब कि क्यों वाए कितने कमी रह जाती है बंदे च, बंदा जो तुम अपना 100% देंदे हो अपना, तो उम्मीद रखते हो कि चलो 1% तो रिटर्न आवे, फिर दुख लगता, फिर गुस्सा भी बहुत आता। किस चीज़ तो बिना शरण रह नहीं सकते? अपनी मम्मी तो बिना एंड पानी। पानी बेस्ट। पानी कोई भी नहीं रह सकता इंसान, मतलब एक लिमिट। ओके लास्ट क्वेश्चन इज इदा दा कोई आउटसाइड दोस्त जिस दा तुसी कदे कैमरे ते नाम नहीं लिता लेकिन वो ताडी बैकबोन है? बहुत ज़्यादा ने। आई थिंक मैनू इत्थे पहुंचण वास्ते ना 2010 तो लेके 2012 साल तक बहुत ज़्यादा लोग जिन्हों का मैं नाम नहीं लै सकती उन्होंने सपोर्ट है जिन्होंने करके शायद मैं इतने आ भी नहीं सी सकती। कोई नाम लेना चाहूँगा? बहुत सारे ने, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनू जिन्होंने इस इंडस्ट्री से डेब्यू दिता आई थिंक मैं बहुत ब्लैस्ड फील करती हूँ कि उन्होंने एक चांस लिया, मैनू मौका दिता इस इंडस्ट्री से। कभी सपना देखा से उस सपने को सच किया। फिर मैनू मैं ओडी जी का भी बहुत, क्योंकि उन्होंने मैनू शरीक दी है। शरीक 2 ही टुक अ स्टैंड, मतलब वो मूवी मिलना मेरे लिए आई थिंक एक एज अ आर्टिस्ट की, हाँ एक कुड़ी एज अ आर्टिस्ट किदां दी है, परफॉर्मर किदां दी, वो जस्टिफाई किया मेरे लिए थोड़ा जहा। तो आई थिंक बहुत सारे होर भी बहुत सारे लोग ने जिन्हों का मैं नाम शायद नहीं लै सकती, बट हर एक का अपना अपना बेस्ट है। इकला बंदा कभी लाइफ से नहीं अगे आ सकता। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।